वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 दिसंबर 2019 और 19 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है, ये मनाया क्यों जाता है? तो प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। अच्छा, बहुत दिनों से मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में नहीं बताया। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और ये जो 24 अक्टूबर है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं कई बार मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और दिसंबर के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज किस वीडियो का आप टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयमृतम और सहचारी योजनाओं का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है? तो विजयमृतम और सहचारी, ये दो योजनाओं का अनावरण अभी केरल गवर्नमेंट ने किया है, यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इन दो योजनाओं का अनावरण केरल गवर्नमेंट ने किया है, तो पहले तो इन दोनों योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो विजयमृतम योजना है ये क्या है? एनएसएस, एनसीसी और एसपीसी यानी कि स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट, तो इन तीनों को सम्मानित करने के लिए ये योजना है विजयमृतम, यानी कि एनएसएस के जो मेंबर हैं, एनसीसी के जो मेंबर हैं और स्टूडेंट पुलिस कैडेट यानी कि एसपीसी के जो मेंबर हैं, इन तीनों के मेंबर्स को सम्मानित करने के लिए है ये विजयमृतम योजना। और दूसरी ये जो योजना है सहचारी योजना, ये दिव्यांग लोगों के लिए है। ऐसे दिव्यांग लोग जो अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे उनको सहचारी योजना के थ्रू सम्मानित किया जाएगा। तो ये दूसरी योजना जो है सहचारी योजना, ये दिव्यांग लोगों के लिए है और इन दोनों ही योजनाओं का अनावरण किया है अभी केरल गवर्नमेंट ने। अब केरल ने किया है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बात केरल की है तो जब भी केरल का नाम आप सुने आपके माइंड में तुरंत पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी आना चाहिए। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है ये बहुत पूछा जाता है, तो कहाँ पे है? केरल में है। और शांत घाटी कहाँ पे है? ये भी केरल में है। अच्छा, ऐसे ही एक और घाटी है, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालको का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी श्रीधर पात्रा को नालको का नया सीएमडी अपॉइंट कर दिया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है श्रीधर पात्रा और इन्हीं को अभी नालको का नया सीएमडी अपॉइंट किया गया है। अच्छा, नालको इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7th of January 1981 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है इसका हेडक्वार्टर।
और अभी इसके नए सीएमडी तो यही अपॉइंट हो गए हैं, श्रीधर पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग आयोजित की गई नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। और इस मीटिंग में ये रिजल्ट सामने आया है कि 2019 में जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 6% बढ़ गया है और नवंबर महीने में जीएसटी का टोटल कलेक्शन 1,30,492 करोड़ रुपए हुआ है। कितना? 1,30,492 करोड़ रुपए हुआ है। अब जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है प्रेजेंट टाइम की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम लागू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो श्री राम लागू ये एक फेमस अभिनेता थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे श्री राम लागू, इन्होंने लावारिस जैसी कई फेमस मूवी की थी और अभी इनका निधन हो गया है तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 9 मीटर, और ये जो साउंड की स्पीड है उससे 3 गुना तेजी से जा सकती है, यानी कि साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज है इसकी स्पीड और ये 300 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकती है, यानी कि 300 किलोग्राम तक के वेपन्स को ये ले जा सकती है और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ इंपोर्टेंट है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो डीआरडीओ का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है, और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। दोनों आपको याद रखने हैं, संस्कृत में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें वार्षिक भारत एटीपी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी नई दिल्ली 5वें वार्षिक भारत एटीपी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, यहां पर ये जो एटीपी लिखा है ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स वाला एटीपी नहीं है, एक एटीपी की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, लेकिन ये जो एटीपी है इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेस्ट पब्लिशर। क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेस्ट पब्लिशर। एक्चुअल में जो पब्लिशर हैं यानी कि जो प्रकाशक हैं उनका ये एक संघ है एटीपी। तो भारत एटीपी सम्मेलन की मेजबानी अभी नई दिल्ली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोरिस जॉनसन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो अभी बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के दोबारा से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में अभी आम चुनाव हुआ है और ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की जो पार्टी है उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो बोरिस जॉनसन अभी ब्रिटेन के दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये है बोरिस जॉनसन, अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो ये है मैप में यूके। ब्रिटेन को ही यूके भी कहते हैं। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टेरलिंग। और यूके के अब नए प्राइम मिनिस्टर तो यही चुन लिए गए हैं, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF क्रिस्टल अवार्ड किसने जीता है? तो अभी दीपिका पादुकोण ने WEF क्रिस्टल अवार्ड जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दीपिका पादुकोण को ये WEF क्रिस्टल अवार्ड क्यों दिया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए दीपिका पादुकोण को ये WEF क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। अब ये जो WEF है इसकी फुल फॉर्म कल ही मैंने आपको बताई थी। WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और WEF के फाउंडर कौन है? क्लाउस श्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर
लॉरा मार्स ने संन्यास की घोषणा की है। तो लॉरा मार्स ये इंग्लैंड की एक क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं लॉरा मार्स, इनका पूरा नाम है लॉरा अलेक्जेंडर मार्स। इन्होंने अपने पूरे करियर में 103 वनडे मैच खेले, 67 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और 9 टेस्ट मैच खेले। कितना? 103 ODI खेले, 67 यानी कि 67 T20 इंटरनेशनल खेले और 9 टेस्ट मैच खेले और अब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूर संचार विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दूर संचार विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अनीता प्रवीण को अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दूर संचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में अतिरिक्त सचिव के रूप में अनीता प्रवीण को अपॉइंट कर दिया गया है। एक्चुअल में ये अभी तक डाक विभाग में अतिरिक्त सचिव थी लेकिन अब इनको दूर संचार विभाग में अतिरिक्त सचिव अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 21 अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण शुरू किया है? तो अभी नेपाल के 21 अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। CIAA यानी कि कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ नेपाल, ये है CIAA और इसी के 21 अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण शुरू किया है। अब ये प्रशिक्षण भारत में शुरू कहां किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वहां पे ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है। और इस प्रशिक्षण यानी कि इस ट्रेनिंग में किस चीज की ट्रेनिंग होगी? धोखाधड़ी, रिश्वत और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इनकी ट्रेनिंग की जाएगी 21 अधिकारियों की और 6 दिनों तक ये ट्रेनिंग चलेगी। तो नेपाल के 21 अधिकारियों ने अभी भारत में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। अब नेपाल के अधिकारियों ने किया है तो ये है मैप में नेपाल। और कल ही मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया था, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली यानी कि खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का अनावरण किया है? तो अभी विश्वनाथ आनंद ने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का अनावरण किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे IndreshRC इंस्टाग्राम पे IndreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।